सो गाइस, अगर आपको भी अपने फ़ोटो की बैकग्राउंड चेंज करना एंड आपकी फ़ोटो भी हाई क्वालिटी में करना है तो वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना। वीडियो को करते स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। सो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। सो गाइस, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो कि मैंने वॉलपेपर सेट किया है। यहाँ पर ये ओरिजिनल फोटो नहीं है, मैं आपको सिंपली सबसे पहले गैलरी में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने वॉलपेपर बनाया, यहाँ पर फोटो ये है एंड मैं आपको जैसे बनाया यहाँ पर, अब ये वाली देख सकते हो मैंने जो कि रिमूव किया है बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड दूसरा लगा दिया, इसकी वजह से मेरी फोटो बेस्ट दिख रही है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे गाइस, यहाँ से सिंपली करना है कट एंड यहाँ पर जाना है ऐप्स में, ठीक है। सबसे पहले गाइस, जिस फोटो को आपको बनाना है उसका रिमूव कर लेना है बैकग्राउंड, ठीक है। जो पहले का बैकग्राउंड रहेगा उसे रिमूव कर लेना। अगर आपको गूगल से करना है तो वहाँ पर जाकर लिख देना www.remove.com, ठीक है। रिमूव जैसे लिखोगे बीजी आ जाएगा वेबसाइट, वहाँ से आप इजीली कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिमूव बीजी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसको ऐप से भी कर सकते हो, किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले से इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी करके रखा। यहाँ पर देख सकते हो बस यहाँ पर ओपन हो रहा है एंड ओपन होने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे ओपन हो गया यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने रिमूव करके रखा, ठीक है। अभी इसकी देख लो लो क्वालिटी है, ठीक है। अभी इसकी लो क्वालिटी है, मैं आपको गैलरी में जाकर दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। ये मैंने देख सकते हो रिमूव किया, ठीक है, इस बैकग्राउंड को रिमूव किया एंड इसको रिमूव करने के बाद गाइस ये फोटो देख सकते हो, ये HD क्वालिटी में है एंड गाइस ये देख सकते हो HD क्वालिटी में नहीं, इसको रिमूव किया है एंड इसको करने के बाद गाइस इसको मैंने एक ऐप में एनहेंस किया है, उसके बाद इसकी फ़ोटो की जो आई क्वालिटी है वो अच्छी हो गई, ठीक है। अब उसको करना क्या गाइस, यहाँ से रिमनी ऐप है, यहाँ पर रिमनी ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ से आपको सिंपली से फ़ोटो को HD क्वालिटी में बना लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस अब सिंपल से करना क्या है, पिक्सर आर्ट ऐप लोड करना है, ठीक है। अगर आप में नहीं हो तो इजीली यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ से जैसे आप डाउनलोड करके ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देन यहाँ सबसे पहले जो एडिट ऑफ फोटो है यहाँ पर सिंपली में करना है टैप, यहाँ पर जैसे आप टैप करोगे देन ये खुल जाएगा, ठीक है। एंड ये गैलरी में आ चुका है एंड गैलरी में आने के बाद गाइस अब हमें वो फोटो लेना जिसको हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। एंड करते हैं ऐड का कट। अब गाइस देख सकते हो जो कि मेरा बैकग्राउंड था यहाँ पर इजीली आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली करना गाइस, यहाँ पर जो यहाँ देख सकते हो नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हो ऐड इमेज है, ठीक है। ऐड फोटो यहाँ पर सिंपली जैसे टैप करोगे ये चला जाएगा फिर से गैलरी में, ठीक है। जैसे यहाँ पर गैलरी में दोबारा जाएगा, यहाँ से अपनी वो फोटो लेना है जिस फोटो का बैकग्राउंड हमने हटा दिया था, ठीक है। जैसे मैंने इसका हटाया था यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेने के बाद गाइस यहाँ पर जो ऐड है ऊपर देख सकते हो ऐड। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैंने फोटो ऐड किया यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ से गाइस ध्यान से देखना, इसको इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे बड़ा करोगे यहाँ पर थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेना एंड गाइस यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो नीचे बैकग्राउंड है इसमें काला है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ब्लैक है तो इसी पर बैठाना, ठीक है, ताकि हमारी फोटो अच्छी दिख से बन जाए, ठीक है। देख सकते हो जो कि है यहाँ पर क्रॉप, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्रॉप पर टैप करोगे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सिंपली कर देना सही, ठीक है। अब यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पर सिंपली करना है डन। यहाँ पर जैसे आप डाउनलोड करोगे ये ऑटोमेटिक चला जाएगा गैलरी में, ठीक है। मैं आपको गैलरी में चल के दिखाता हूँ, ठीक है। करना कट करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसको फिर से कट करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैंने अभी के अभी अपना फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया। अगर आपको ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो गाइस मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फोटो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।